जल्दी ही रवि और सरगुन का दिमयाता प्रोडक्शन हाउस एक नया शो लेकर आ रहा है, जिसमें एक बार फिर से अंकित गुप्ता नजर आने वाले हैं। अंकित गुप्ता के साथ साथ इस बार इस शो का हिस्सा होंगे गौतम सिंह विज भी, जिन्हें हमने बिग बॉस में देखा, और नेहा राणा, जो कि नजर आ चुकी है बनी चाओ होम डिलीवरी जैसे शोज में। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार ये शो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, शायद ही इंडियन टेलीविजन पर ऐसा कोई शो दिखाया गया होगा। रवि सरगुन के जितने भी शोज होते हैं वो पंजाब बेस्ड होते हैं और ये भी डिफरेंट नहीं है, बट इसमें जो अलग चीज है वो ये है कि ये तीनों जो एक्टर्स हैं वो इस शो में बडिंग म्यूजिक आर्टिस्ट का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस शो का टाइटल जुनूनियत इसलिए रखा गया है क्योंकि इन तीनों किरदारों में म्यूजिक को लेकर एक जुनून होगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार होंगे। म्यूजिक लव दिखाया जाएगा, स्पेशली पंजाब बेस्ड। और इसी के साथ हम आपको बता दें, अंकित गुप्ता इस शो में प्ले करते दिखेंगे जहान का किरदार, जबकि गौतम सिंह विज नजर आएंगे जॉर्डन का कैरेक्टर प्ले करते हुए। नेहा के कैरेक्टर का नाम होगा इलाही, और ये तीनों ही म्यूजिक को परस्यू करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो भी पंजाब जैसी डिफिकल्ट इंडस्ट्री में। इसके साथ ही अंकित गुप्ता ने कहा है कि जैसे कि फैंस उन्हें पहले बहुत ज़्यादा प्यार दे चुके हैं, एक बार उडारियां के साथ, दूसरी बार बिग बॉस के साथ, वो चाहते हैं कि जुनूनियत में भी फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करे। रवि और सरगुन के साथ अंकित गुप्ता का ये दूसरा कोलैबोरेशन होगा, वहीं कलर्स टीवी पर अंकित का ये तीसरा शो होगा। इसे लेकर गौतम सिंह विज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत ही नया किरदार है उनके लिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शो के लिए ऑलरेडी ये सभी आर्टिस्ट चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां पर इसकी शूटिंग की जाएगी, और सब बहुत एक्साइटेड है, और ये शो ऑन एयर जल्दी ही चला जाएगा।